बाय होम बेकर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही सॉफ्ट मैंगो पुडिंग। यहाँ पे हम दो बड़े आम ले लिए हैं, जो वजन से देखा जाए तो ये आधा केजी है। आम को हम अच्छे से धो के साफ करके इसको छील के इसका हम पल्प निकाल लेंगे। पल्प को हम मिक्सी के जार में डाल के आधा किलो हम मैंगो लिए हैं, इसके हिसाब से हम एक कटोरी चीनी लिए हैं। आप अपने हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ मैंगो ज़्यादा मीठे होते हैं, कुछ मैंगो कम मीठे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप चीनी लें। हम यहाँ पे एक कटोरी चीनी डाल देते हैं। इसको अब हम प्यूरी बना एक कढ़ाई लेकर उसमें हम अपना पल्प डाल देंगे। उसके हिसाब से हम यहाँ पे आधी कटोरी दूध लिए हुए हैं, जिसमें से आधा दूध हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको हम 5 मिनट इसी तरह मिलाते हुए पकने देंगे, चलाते रहेंगे ताकि नीचे ये एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं। इसी चम्मच से 4 चम्मच मिल्क मिला के इसको हम अच्छे से घोल बना देंगे। अपने कॉर्नफ्लोर को इसमें मिला इसको हम चलाते हुए पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी हो गई है, इसको आप अपने हिसाब से इस तरह चेक कर लें। फिर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। प्यूरी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम एक कटोरी लेकर उसमें ऑयल डाल के कटोरी को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसमें हम अपनी प्यूरी को डाल देंगे। इसको हम हल्का सा टैप करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 2 घंटे हो गए हैं, पूरी हमारी तैयार हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। ये बन गया हमारा पुडिंग। इसको हम चाहें तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। अब ये सर्व करने के लिए रेडी हो गया। इसे आप अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।